हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो बहुत बार आप अपने इंस्टाग्राम में इस तरीके का एरर देख पाते होंगे। यहाँ पर आपको लिखकर आता है कुडंट रिफ्रेश फीड। तो ये आता क्यों है, इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है और पूरा ज़रूर देखना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ सबसे पहले इसका सल्यूशन और उसके बाद आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। तो एक बार आप ध्यान रख लीजिए, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। हो सकता है आपका वाईफाई कनेक्ट है, इंटरनेट कनेक्ट है, बट वो चल नहीं रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर के तरफ से ही बंद है। तो बंद होता है तो आपको ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपका परफेक्ट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी परफेक्ट है, सब परफेक्ट चल रहा है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए। आपको अपने फ़ोन की किसी भी एक ब्राउज़र को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं क्रोम में चले जाता हूँ, यहाँ पर आपको देखिए टाइप क्या करना है। आपको यहाँ पर लिखना है इंस्टाग्राम APK अप टू डाउन। इसे यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे instagram.en.uptodown, इसको ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे लेटेस्ट वर्जन, ओल्डर वर्जन। तो हम जब भी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो ज़्यादातर हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो हमें कभी कभी कुछ बग्स आ जाते हैं लेटेस्ट अपडेट में, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमें लेटेस्ट वर्जन नहीं डाउनलोड करना है, हमें क्लिक कर लेना है ओल्डर वर्जन में। अभी ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, उसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा मेरी बातों का, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रीवियस वर्जन यहाँ पर नीचे दिख जाते हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं सबसे ऊपर वाले को। अभी आपको इसे डाउनलोड करना है, लेकिन मेरी बात को सुन लीजिए। आप इसे डाउनलोड करेंगे, मैं तो इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे कर रखा है। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको अपने पहले ओल्ड वाले इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही आप इसे इंस्टॉल करिए। अगर आप उसे बिना इंस्टॉल किए अनइंस्टॉल किए इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऐप नॉट इंस्टॉल्ड का एरर आता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इंस्टॉल ही नहीं होगी एप्लीकेशन। तो ऐसा करिए, आप उसे इंस्टॉल करके इसे इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप बताइए मुझे कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा उसका सलूशन। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।